हेलो एवरीवन, मैं रुचि जैन, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोटा, राजस्थान। आज हम फर्स्ट ईयर के विजुअल आर्ट्स में प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के सेकंड प्रिंसिपल हार्मनी पर स्टडी करेंगे। हार्मनी में जितने भी हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हैं, जैसे कलर है, फॉर्म है, शेप है, इन सब में कोई भी डिजाइन, ये किसी भी एक डिजाइन में ये एक दूसरे से मेल खाते हुए होने चाहिए। जब भी ये एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए होंगे, तब हम कहेंगे कि ये हार्मनी में है। हार्मनी में कोई भी एक पृष्ठभूमि है तो उसपे जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हुई है, प्लस वो अपने आप में इंडिविजुअल भी दिख रही है और वो अलग अलग बट भी नहीं रही है, तो वो ही कहलाता है हार्मनी। अब हार्मनी हम चार तरीकों से ले सकते हैं: लाइन हार्मनी, शेप एंड कलर हार्मनी, थीम एंड कलर हार्मनी। इन चार तरीकों से हम हार्मनी किसी भी डिजाइन में ला सकते हैं। सबसे पहले है लाइन हार्मनी। लाइन हार्मनी में तीन तरह की लाइंस होती हैं: आवृत्ति, अवरोधक और संधि। अगर आवृत्ति रेखाएं हैं, आवृत्ति रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। जब हम इनको ज्यादा रिपीट करते हैं तो ये कभी कभी बोरिंग हो जाता है या इतना अनाकर्षक हो जाता है, बहुत ही इजी दिखने लगती हैं। इसके बाद आती है अवरोधक। अवरोधक यानी कि जो एक दूसरे का गतिरोध करें, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में दौड़ती हुई रेखाएं हैं, उनसे कभी कभी उलझन पैदा हो जाती है और वो एक अच्छा गुण नहीं होता किसी भी डिजाइन के लिए, तो ये उसकी कमी। फिर तीसरी आती है संधि रेखाएं। संधि रेखाएं ये गतिरोध के प्रभाव को बहुत ही सॉफ्ट या मृदु बनाती हैं। इससे एक किसी भी चीज़ में एक मधुर सामंजस्य उत्पन्न होता है। तो जब हम लाइन हार्मनी यूज करते हैं तो हम इन तीनों लाइनों का इस तरह इन तीनों लाइंस का इस तरह से उपयोग करते हैं कि कोई भी एक डिज़ाइन कुल मिला करके एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बने या अट्रैक्टिव लाइंस बने, तो वह लाइन हार्मनी हो गई। इसके बाद आता है फॉर्म और शेप हार्मनी, यानी रूप सामंजस्य। हर चित्र में दो तरह की आकृतियाँ होती हैं, एक होती है मुख्य आकृति और दूसरी उसके साथ में होती है सहायक आकृति। ये सहायक आकृति मुख्य आकृति को प्रभावशाली और आकर्षक बनाती हैं। इसी तरह से जब हम चित्र में जब दोनों आकृतियाँ यूज़ करेंगे तो वो हार्मनी में होगी। अगर कभी कभी ऐसा होता है कोई बड़ी आकृति होती है और उसके साथ में कुछ छोटी आकृतियाँ भी होती हैं, तो जो बड़ी आकृति होती है वो चित्रभूमि की सीमा के अनुरूप होनी चाहिए और छोटी आकृतियाँ बीच बीच में होनी चाहिए। इस तरह से दोनों को मिला करके हम शेप और फॉर्म हार्मनी बनाते हैं। तीसरा आता है थीम या विचार या अवधारणा। तो जब तक हम लाइन हार्मनी या शेप ऑफ फॉर्म हार्मनी को हम जब तक यूज नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वो एक किसी एक ही विचार के अनुरूप ना हो, जब वो एक ही थीम पर जाते हैं तभी ये अच्छे लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कहीं पे ट्रेडिशनल इंटीरियर करना चाहे तो हम उसके अंदर कोई भी मॉडर्न चीज़ ला के नहीं लगाएंगे, या हमारी थीम मॉडर्न है तो हम उसमें ट्रेडिशनल ला के नहीं लगाएंगे। इसी तरह से अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है और उसमें कोई गांव का चित्र है तो उसके अंदर कोई आप कोई मॉडर्न ड्रेसेस में पहने हुए ह्यूमंस या कोई गाड़ी आप उसमें नहीं यूज करेंगे। तो जो भी आपने विचार लिया है उसी के अनुसार उसके अंदर सारे उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो विचार होगा और तभी उसके अंदर सामंजस्य होगा। तो ये था थीम या हमारी विचार सामंजस्य। इसके बाद आता है कलर सामंजस्य। कलर सामंजस्य का मतलब ये है कि कोई भी डिजाइन तभी अच्छी, उसमें कलर स्कीम जब भी अच्छी लगेगी जब वो उसमें यूनिटी और हार्मनी होगी। और वो यूनिटी और हार्मनी हम कैसे ला सकते हैं? वो यूनिटी और हार्मनी लाने के लिए हम या तो एक ही फैमिली के कलर लेके, फॉर एग्जांपल अगर हमने गरम रंग लिए
वार्म कलर्स लेते हैं तो जैसे रेड येलो एंड ऑरेंज, वो अपने आप में एक ही फैमिली के होने की वजह से उनमें स्वाभाविक सामंजस्य होता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। इसी तरह से ठंडे रंग लेंगे तो वो जैसे ग्रीन, ब्लू, सी ग्रीन, ये तीनों रंग एक दूसरे के साथ स्वाभाविक, या क्योंकि एक ही फैमिली के हैं इसलिए इनमें स्वाभाविक सामंजस्य होता है। तो जब भी हम कलर्स लेंगे तो वो एक ही फैमिली के या उसमें एक यूनिटी होते हुए हम लेंगे। फिर इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम किसी भी रंग ह्यू में उसका पूरक रंग मिला दें तो उससे वह उदासीन रंग बन जाएगा और वो अपनी तीव्रता खो देगा, और यही उदासीन रंग जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। जब हमने कोई भी एक कलर लिया उसके साथ में उस मेन कलर के साथ में उसका उदासीन रंग भी ले लिया और हमने एक और दूसरा कलर भी ले लिया, तो तीनों मिलकर के किसी भी स्कीम में अच्छे लगते हैं। एक और तरीका होता है जिसमें हम कोई भी एक कॉमन कलर जो दोनों के साथ में जाता हो वो हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने येलो में भी ग्रीन ऐड कर दिया और ब्लू में भी ग्रीन ऐड कर दिया। अब जब हम इन तीनों कलर से कोई भी डायग्राम बनाएंगे या कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य भी रहेगा, प्लस इंडिविजुअली एक एक कलर उसके अंदर अपना विविधता भी लिए हुए होगा। इस तरह से हमने देखा कि कलर हार्मनी में हर रंग अपने आप में भी दिखता है और एक दूसरे के साथ में सामंजस्य भी होता है, इसमें यूनिटी भी हो गई और रिदम भी हो गया। इस तरह से हार्मनी को हम चार तरीकों से बनाना सीखें। थैंक यू।